क्लास, सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, क्लास क्या है? क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर और ए स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट. ठीक है, मैं इसको सरल भाषा में बताता हूँ. देखिए, जैसे क्लास क्या है ना, क्लास को मैं एक ब्लू प्रिंट मानता हूँ. ठीक है, ब्लू प्रिंट मतलब कि जैसे अगर आप घर बनाने जा रहे हो तो घर का आप एक ब्लू प्रिंट तैयार करते हो ना, कि आपके घर का नक्शा कैसा होगा, कौन सा रूम कहाँ पे होगा, कैसे होगा, क्या उसका आर्किटेक्चर होगा, राइट, सब कुछ आप डिसाइड करते हो. उस घर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप एक ब्लू प्रिंट में दे देते हो. सो क्लास भी वही करता है काम. क्लास जो होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि स्टूडेंट, तो अब एक क्लास स्टूडेंट क्या करेगा, आपके स्टूडेंट के सारे नेचर, जो भी नोट नेचर उसके, जो भी उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी स्टूडेंट का, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसका यू नो मार्क्स कितना आया, ऑल द थिंग्स दैट कैन बी गिवन इन द स्टूडेंट क्लास. तो अब क्या हो गया कि मैं अगर स्टूडेंट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सो दैट कैन बी गिवन इन ए क्लास. सो नाउ हियर क्लास इज ए ब्लू प्रिंट, सिमिलर टू जैसे आप घर का ब्लू प्रिंट बनाते हो या किसी भी चीज़ का ब्लू प्रिंट बनाते हो, एक आप बेस तैयार करते हो कि आप इसमें आप क्या करने वाले हो, राइट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालते हो. ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, हमारा क्लास विल बी डिफाइंड एज ए ब्लू प्रिंट और एक टेम्पलेट, एक हमारा टेम्पलेट दे दिया कि हाँ ठीक है, स्टूडेंट में ये सब सारी चीज़ें हैं. इट ऑल वेरीज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपकी क्या क्या उसमें यू नो टेम्पलेट्स में आप क्या क्या उस क्लासेज में आप क्या क्या डिक्लेयर करोगे, क्या मेथड्स बनाओगे, क्या ऑब्जेक्ट्स बनाओगे. ठीक है, तो सारी चीज़ें आप क्लास में आपका अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो. सो एक लाइन डिफिनीशन अगर कोई पूछे व्हाट इज क्लास, तो आप सीधा बोल दो क्लास इज डिफाइंड बेसिकली ए ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर और स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट. मीन्स जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी क्लास टाइप का, किसी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट, जैसे रियल लाइफ में आप कोई भी करोगे तो बाईसाइकिल, डॉग, ह्यूमन, कार, कुछ भी आप एक टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हो. ठीक है, उसी प्रकार जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन से एक टेम्पलेट मुझे बनानी है, मैंने बना दिया स्टूडेंट में. नाउ व्हेन आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो स्टूडेंट नेम हुआ, रोल नंबर हुआ, ये सब क्या हो गया, स्टेट हो गया. ठीक है, तो उस इसका कुछ जो बिहेवियर होगा, जो मेथड होगा, गेटर एंड सेटर, ठीक है, तो उसमें वैल्यू हम लोग सेट करते हैं. तो अकॉर्डिंगली जो हमारा क्लास हो गया, एक कंप्लीट टेम्पलेट दे दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया. सो नेक्स्ट स्लाइड विल बी अबाउट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट हम किसका क्रिएट करेंगे, है ना. तो रियल लाइफ में भी किसी, जैसे कार का हुआ मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्लास का होगा. ठीक है, क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है. इसका, इस टेम्पलेट का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारा चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अंदर की चीज़ें को. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स आर की टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है तो आपको क्लास की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हियर मैंने आपको स्लाइड्स में अच्छे तरीके से लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से आप समझ भी सको. ठीक है, जैसे कि क्या है कि ऑब्जेक्ट का अपना रियल लाइफ से आप कंपेयर करो. जब भी अगर आपको जावा के कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है तो आप उसको रियल लाइफ से कंपेयर करो कि हाँ अगर ये सिचुएशन ऐसा है तो रियल लाइफ में उसका क्या सिचुएशन होता है, उसका सॉल्यूशन रियल लाइफ में क्या दिया हुआ है, उसका नेमिंग कन्वेंशन भी जावा रियल लाइफ से ही कंपेयर करके करता है. ठीक है, तो आपको हमेशा जावा को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको रियल लाइफ से कंपेयर करके ही समझना होगा. तो ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्टेट एंड बिहेवियर. तो मैंने एग्जांपल देखिए रियल लाइफ का लिया हुआ है, डॉग्स, स्टूडेंट, बाईसाइकल्स, ये सारे रियल लाइफ में होते हैं, राइट. इन्हीं का क्लास स्टूडेंट मैंने बनाया था, मतलब जावा में मैंने स्टूडेंट को ले आया. स्टूडेंट तो जावा का चीज़ नहीं होता, वो तो रियल लाइफ में स्टूडेंट होता है, राइट. तो अब यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल दिए. इसी तरीके से आप अपने लुक अराउंड करो और आप क्लासिफाई करो कि इसका क्लास क्या हो सकता है और इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं.
जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट्स दे रहे हो तो आपको दो चीज़ का बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ फील्ड्स और स्टेट और बिहेवियर, ठीक है। मतलब जैसे कि डॉग्स हैव स्टेट, अगर डॉग्स का क्या नाम होगा, कलर, ब्रीड, हंगरी, ठीक है, ये सब सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी स्टूडेंट को जानना हो कि आप क्लास में गए और आप मान लो किसी स्टैंडर्ड किसी क्लास में गए, वहाँ पे आप जाकर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहे हो, कैसे करोगे, यूजिंग नेम और रोल नंबर, राइट। तो आप वहाँ पे नेम और रोल नंबर क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हो गया स्टेट कि आप उसके नेम और रोल नंबर के थ्रू कर रहे हो। बट उसका बिहेवियर क्या है, अब बिहेवियर क्या होता है, मेथड्स, ठीक है, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में बताओगे। जैसे नेम होता है, नेम का सेटर और स्टूडेंट पोजो क्लास होगा, पोजो क्लास मीन्स प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। जब आप स्टूडेंट क्लास बनाओगे तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि प्राइवेट स्टूडेंट नेम, राइट, प्राइवेट स्टूडेंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट एज, सो एक स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है क्लास में, नेम है, रोल नंबर है, एज है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है। सो लाइक वाइज स्टूडेंट हैव द नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड एज, आई हैव गिवन ऑल द एज ए स्टेट, ठीक है। बिहेवियर क्या है, नेम का अपना बिहेवियर होगा, लाइक गेट नेम मेथड और सेट नेम मेथड हम लोग देंगे, गेटर एंड सेटर फॉर दिस नेम, रोल नंबर फॉर गेटर एंड सेटर, स्टैंडर्ड एज, और कॉमन बिहेवियर इज एट स्टडिंग, स्टूडेंट हैव द यू नो बिहेवियर ऑफ डूइंग स्टडी, क्योंकि बच्चे का काम है पढ़ाई करना, ठीक है। उसी प्रकार डॉग्स, डॉग्स का नेम, कलर, ब्रीड, हंगरी, डॉग उसका बिहेवियर क्या है, बार्किंग, राइट, वैगिंग टेल, पूछ लेना, ठीक है ना। तो उसका अपना अपना बिहेवियर होता है, बिहेवियर मतलब इसको बिहेवियर को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, इन मेथड, ठीक है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसका अपना गेटर सेटर्स होगा, और भी अगर अदर्स मेथड्स हैं लाइक स्टडी करता है नहीं करता है, या फिर क्या, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने कोई भी यू नो मेथड क्रिएट कर सकते हो अपना उसमें एक्शंस को शो करने के लिए, ठीक है, कि उसका बिहेवियर एक्चुअली क्या, उसका एक्शंस क्या होगा। जैसे बाइसाइकिल का भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आजकल तो गियर वाला साइकिल है, पहले वाला पहले जैसा नहीं, ठीक है, तो आप बाइसाइकिल में भी गियर चेंज कर सकते हो। तो अभी करेंट गियर कौन सा है, अभी पैडल किस उसके पैडल कैडेंस क्या है, ठीक है, उसका अभी किस नंबर पे आपने रखा हुआ है, तो वो हो गया स्टेट। उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंजिंग गियर, आप करंट गियर मान लो एक है तो आप उसको दो कर सकते हो, राइट, गियर चेंज कर सकते हो, उसका पैडल कैडेंस चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये इसका बिहेवियर हो गया। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आपको उसमें डिस्टिंग्विश करना होगा, आपको सेपरेशन लाना होगा इन स्टेट एंड बिहेवियर। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रियल लाइफ से कंपेयर करो कि आपके अगल बगल में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका स्टेट क्या हो सकता है और बिहेवियर क्या हो सकती है, ठीक है। स्टेट मतलब फील्ड्स, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बात करूं, सो इस क्लास स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट एज, स्टैंडर्ड इज स्टेट फील्ड, ठीक है। इफ आई विल क्रिएट द गेटर एंड सेटर और क्रिएट एनी मेथड, सो देयर आई विल शो द बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। सो अ क्लास इज डिवाइडेड इन यू नो प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स और प्रॉपर्टीज और स्टेट्स एंड बिहेवियर्स मीन्स मेथड्स, ठीक है। तो क्लास के अंदर हम लोग सारी चीज़ें और लिखते हैं, तो यही मैंने आपको एग्जाम्पल से दिया है। होप आई विल बी एबल टू मेक क्लियर योर कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट तो देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू यू नो जस्टिफाई योर क्वेश्चन और आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सी मेथड्स, मैं अभी मेथड्स की बात कर रहा था, मेथड्स क्या होते हैं, डिफाइन द बिहेवियर। जो हम लोग गेटर या सेटर या किसी भी प्रकार का मेथड बनाते हैं लाइक डूइंग सम कैलकुलेशंस, अगर आप किसी दो नंबर को ऐड करना चाहते हो तो आप दो नंबर का स्टेट डिक्लेयर करोगे, राइट, नंबर वन एंड नंबर टू, दो इंटीजर आपने ले लिया। एक क्लास बनाया आप मान लो सम, आप जोड़ने का क्लास बना रहे हो तो उसका नाम दे दो सम। रियल लाइफ से अगेन मैंने कंपेयर किया, ऐसा नहीं है कि मैं सम क्लास बनाने जा रहा हूँ तो नाम दे दूंगा ए बी सी डी, नहीं, किस टाइप का क्या उसका बिहेवियर वाला चीज़ है मैं वैसा उसका नाम देता हूँ, ठीक है। तो क्लास सम, अब सम में क्या सम करना है, दो नंबर का सम करना है हमको, तो मैं दो नंबर दे दूंगा, इंट नंबर वन एंड नंबर टू, तो इंट नंबर वन एंड नंबर टू मेरा क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। बिहेवियर क्या है,
हमको क्या करना है, बेसिकली सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें दो पैरामीटर पास कर दूंगा, नंबर वन एंड नंबर टू, एंड वहाँ पे मैं नंबर वन प्लस नंबर टू करके रिटर्न कर दूंगा। तो उसका बिहेवियर क्या होगा कि दो नंबर को जोड़ के उसका आउटपुट मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। अगर मुझे स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया, इसके अंदर में मैंने डिस्प्ले करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एबीसी। इसको मैं डायनामिक भी कर सकता हूँ, एक पैरामीटर पास करूँगा इसके अंदर में, ये जो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर में मैं पास करूँगा पैरामीटर लाइक स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट नेम को प्रिंट कर दूँगा। तो ये मैंने स्टेटिक दिया, इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ मेथड, ठीक है, एंड मेथड इज फॉर शोइंग व्हाट एक्शंस यू आर डूइंग टू परफॉर्म सम एक्शंस टू डिफाइन द बिहेवियर, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हमारा एक तरीका है मेथड डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने का। सी पब्लिक क्या है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर द यू नो ऑल एक्सेस स्पेसिफायर्स, आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कैसे कैसे यूज करोगे। बट फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि पब्लिक एक्सेस मेथड अगर आपको बनाना है, ठीक है, मेथड बनाने के लिए आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है। पब्लिक मतलब कहीं से इसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। वाइड, ठीक है, वाइड क्या होता है, रिटर्न टाइप। अगर कुछ आपको रिटर्न नहीं कराना है, मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया है, सिंपल प्रिंट करा दिया नाम को, राइट, कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसलिए मैंने वाइड दिया। अगर मान लो मुझे इंटीजर रिटर्न करना होता, जैसे मान लो कि गेट सम या गेट नंबर, आप मेथड से मेथड के नाम से समझ सकते हो कि गेट सम और गेट नंबर क्या रिटर्न करेगा, कुछ नंबर रिटर्न करेगा, मतलब उसका नंबर रिटर्न मतलब इंटीजर, इंट। तो मैं यहाँ पे इंट लिख देता ताकि जो बताएगा कि ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, तो जो मेथड रिटर्न करने वाला है उसमें उसका रेस्पेक्टिव रिटर्न टाइप हम लोग देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मैंने वॉइड दिया हुआ है, ठीक है। और दिस इज अ मेथड नेम, डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये मेथड नेम। आप मेथड नेम कुछ भी अपने यू नो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने मुझे यहाँ पे नेम शो करना तो मैंने दे दिया डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ठीक है। देन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दिस स्मॉल ब्रैकेट वी टू गिव, इफ यू हैव टू पास एनी आर्ग्यूमेंट एनी पैरामीटर, तब हमको इसमें लिखना पड़ेगा इनसाइड दिस स्मॉल ब्रैकेट, ओके। मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें हमें लिखना पड़ेगा विद द टाइप, लाइक अगर मुझे स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है तो स्ट्रिंग, अगर इंट करना है तो इंट। सो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करना होगा। देन दिस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कर्ली ब्रेसेस एंड दिस क्लोजिंग ब्रेसेस, दिस इज द बॉडी ऑफ द मेथड, बॉडी और द डिफिनीशन ऑफ द मेथड, और द एक्शंस दैट वी हैव टू शो विल शो ओवर हियर। सो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड बॉडी और द डिफिनीशन ऑफ द मेथड, एंड इन द इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस यू कैन परफॉर्म सम एक्शंस दैट यू वॉन्ट टू डू दैट विल शो द बिहेवियर ऑफ दिस मेथड, ठीक है।